दरअसल ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच रेल परियोजनाओं का जो काम है वो जोरों पर चल रहा है। तो रेल परियोजना का काम तेजी के साथ बढ़ते हुए क्या खासियत है, जायजा लिया संवाददाता सैयद आमिर हुसैन। चंद्रभागा नदी के ऊपर बना ये चंद्रभागा ब्रिज है जो कि रेलवे का पहला ब्रिज है जो कि सीधे तौर पर ऋषिकेश के साथ जुड़ा हुआ है। यहीं से एक तरह से शुरुआत होती है जो 125 किलोमीटर की पूरी रेलवे लाइन है ऋषिकेश से लेकर के कर्णप्रयाग तक, उसकी शुरुआत इसी ब्रिज से होती है। ये पहले नंबर का ब्रिज है और काफी महत्वपूर्ण ब्रिज है। आप देख सकते हैं बाकायदा यहाँ पे ट्रैक बिछा दिया गया है और उसके सामने आप देखिए ये वो पहाड़ियां हैं जहां से इसकी शुरुआत एक तरह से होती है। यहां से सीधे जाता है ये ट्रैक और सीधे जाके जो टनल्स बन रही हैं वहां पर इसको मिलना है। चंद्रभागा नदी के ऊपर हम ठीक खड़े हैं और ये ब्रिज जो है कितना महत्वपूर्ण है आपको इस बात से समझ में आ रहा होगा कि ये सीधे रेलवे लाइन जो है आपके सामने जो पहाड़ियां दिख रही हैं उनमें जाके इसको मिलना है। और चारों तरफ आप देख सकते हैं बकायदा यहां पर जो घर है, बड़े बड़े घर आप देख सकते हैं, लोगों के यहाँ पे रिहाइश काफी ज्यादा है। ऋषिकेश की शुरुआत एक तरह से यहाँ पे मानी जा सकती है। और यहाँ पे आप देखिए अब पटरी यहाँ पर बिछ चुकी है, पूरी तैयारी हो चुकी है, पूरी ब्रॉडगेज लाइन है ये। और जिस ब्रिज पे हम खड़े हैं ये रेलवे ब्रिज का पहला ब्रिज है जो बन के तैयार हुआ है। और आपको बताएं करीब 18 ब्रिज है जो इसी तरह के ब्रिज तैयार किए जा रहे हैं और करीब 34 ऐसे माइनर ब्रिज भी तैयार किए जा रहे हैं। दो आरओबी है और एक आरयूबी है, उसको भी तैयार किया जा रहा है। ओवरऑल 30-40% काम जो है कंप्लीट हुआ है। टनल्स जो है वो तैयार की जा रही है, ब्रिजेस तैयार किए जा रहे हैं। मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर है ये रेलवे का। दरअसल उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो अभी रेलवे लाइन जो है वो देहरादून तक और काठगोदाम तक चलाई जाती है, लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट रूट है जिसमें हम ऋषिकेश की बात करते हैं, ऋषिकेश से चार धाम को कनेक्ट करने की जो परियोजना है, जो एक तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, वो काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब स्ट्रेटेजी दरअसल ये है कि आने वाले समय में स्ट्रेटेजिक तौर पर अगर जरूरत इस ट्रैक की पड़ेगी तो ये बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। वजह इसकी यह है कि यहां से सीधे अगर हम जोशी मठ को भी कनेक्ट करते हैं तो जोशी मठ यानी यहां से अभी हम कर्णप्रयाग तक कनेक्ट कर रहे हैं जो कि करीब 125 किलोमीटर दूर है। जोशी मठ जो कि पहाड़ी इलाकों पे बसा हुआ इलाका है और वहां से ठीक जो बॉर्डर इलाका है वो 50 किलोमीटर का रह जाता है, यानी वहां से चाइना सिर्फ जो है सिर्फ 50 किलोमीटर के बॉर्डर इलाका रह जाता है। वहां तक अगर हमारी रेलवे लाइन पहुंच जाती है तो आने वाले समय में हमारे पास जो सैनिकों का मूवमेंट है, आर्म्स एमिशंस हैं, वो बड़ी आसानी से ठीक इसी ट्रैक से निकाले जा सकेंगे। रेल जर्नलिस्ट अभिजीत कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन। और इसी के साथ पहाड़ समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।